व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बताएंगे इसमें क्या जो आपको पता नहीं है, जो हर माइनक्राफ्ट प्लेयर अपने वर्ल्ड में बनाता है उसको आज हम बनाएंगे, क्योंकि हमें अब वो आगे चल के बहुत ज़्यादा ज़रूरत देगा। उसका मैं बनाऊँगा आज जो आयरन फार्म होता है उसको। तो अभी मैं यहाँ पर इंट्रो देने के लिए इस जगह पर आया था, आप देख सकते हो यहाँ से व्यू कितना मस्त आता है। तो आप देख सकते हो जो अभी मेरा प्लेयर, आप कहोगे भाई यार ये यार तुम आप क्यों देते हो इंट्रो यहाँ से नीचे दिया करो। तो अभी मैं दूसरे एपिसोड में बदल दूंगा अपना इंट्रो। अच्छा, तो अभी के लिए तो यहीं से इंट्रो चालू है मेरा। तो आज मैं बनाऊंगा अपने लिए एक आयरन फार्म। तो आयरन फार्म के लिए हमें अब सामान चाहिए होगा, तो पहले हम उसको इकट्ठा करते हैं। तो चलते हैं, चलो गाइस अभी हम यहाँ से MLG करेंगे, देखते हैं सही। अरे फिट हुई है पूरी MLG। और जो मेरा आप घर देखो, जो मैंने अपना घर बनाया था, तो मैं अभी आपको पहले दिखा देता हूँ कि मैंने ऑनलाइन इसमें जो ऑफलाइन होता है उसमें मैंने क्या किया था। तो उस आयरन पहले मैंने ये रखा था उस एपिसोड में। और ये एक मेन चीज़ देखो, ये चेस्ट रूम है ना, इसमें मैंने सारे चेस्ट ही चेस्ट कर दिए हैं, देख सकते हो आप। इसमें स्टोरेज की तो कोई कमी नहीं है इसमें। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल, स्टोरेज है। तो अभी मुझे सामान चाहिए होगा, तो पहले मैं उसको इकट्ठा करता हूँ। पहले मुझे दो हॉफर बनाने हैं। हॉफर बनाने के लिए मुझ पे आयरन है, यहाँ पे आयरन है। तो आयरन से पहले मैं हॉफर बना के लाता हूँ, चलते हैं तो जल्दी से। तो मेरे पास अभी शायद क्राफ्टिंग के टेबल नहीं है, तो मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ जल्दी से। वाह भाई बताओ, मैं माइनक्राफ्ट इतने दिनों से खेल रहा हूँ, मैंने क्राफ्टिंग टेबल ही नहीं बनाई। तो क्राफ्टिंग टेबल को मैं अभी यहाँ पर रखता हूँ। तो यहाँ से अभी बना लेता हूँ मैं हॉपर। दो हॉपर किससे बनते हैं भाई साहब, हॉपर लिखता हूँ मैं इसमें, हॉपर हॉपर आ जा, हॉपर ये आ गए। इसके लिए हमें एक चेस्ट और चाहिए होगी, तो चेस्ट बनाते हैं पहले। तो चेस्ट से हमारा हॉपर बनेगा, एक ही चेस्ट का हम पर सामान है। तो एक चेस्ट बना ली, और हॉपर तो हमको ज़्यादा चाहिए होगा। तो मैं और जो प्लैंक होते हैं उनको, प्लैंक को लेके आता हूँ। इसमें मेरी चेस्ट में प्लैंक रखा है। तो अभी मैं मिलता हूँ आपसे हॉपर बनाने के बाद। बस मैंने अभी पूरा का पूरा सामान बना लिया है जो मुझे चाहिए होगा, और जो कम पड़ेगा तो हम उनको बाद में बनाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या सामान मैंने अभी बनाया है। तो देख सकते हो मैंने ये बेड बना लिए, कुछ मुझे बेड की ज़रूरत पड़ेगी। और जो दो बकेट वगैरह और जो सामान चाहिए होगा वो जितना मैंने बनाया है। और हमें उसमें ब्लेजर की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमको 20 ब्लेजर चाहिए होंगे। तो एक ब्लेजर मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा है, और वहाँ पे बाहर से मैं लेके आऊँगा ब्लेज से। तो उनको पहले मैं लेके आऊँगा जब तक हम सो लेते हैं। और यहाँ से कम 100 ब्लॉक दूर बनाना है इस ब्लेज से, वरना हमारा आयरन फार्म कुछ काम नहीं करेगा। तो पहले मैं सोता हूँ, फिर चलते हैं यहाँ से कम 100 ब्लॉक दूर। तो पहले अभी मैं यहाँ पे सो लेता हूँ जल्दी से, जल्दी से सुबह होगी फिर हम चलते हैं यहाँ से कम 100 ब्लॉक दूर। और पहले हम जगह डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे हमको बनाना है। पहले मैं नीचे उतारता हूँ, किस साइड बनाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इस साइड पहले बना लेते हैं, इस साइड चलते हैं कम से कम 100 ब्लॉक। तो यहाँ से देख सकते हो अभी ये 400 ब्लॉक हैं, तो हमें जाना है कम से कम 550 ब्लॉक दूर यहाँ से। तो चलते हैं 550 ब्लॉक दूर, और हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं मिलता हूँ उसी लोकेशन पे जहाँ पे मैं अपना आयरन फार्म बनाऊँगा। मैं अभी आ चुका हूँ वहाँ से, 700 ब्लॉक दूर आ चुका हूँ। 700 ब्लॉक में मैं आ गया हूँ यहाँ से, वहाँ से कम 250 ब्लॉक दूर आ चुका हूँ। यहाँ पे हमारा जो आयरन फार्म है जो फुल काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम पहले अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले यहाँ से खुदाई चालू करनी पड़ेगी। तो हमें एक गड्ढा बनाना है यहाँ पे 7x7 का, जो मैंने सामान पूरा इकट्ठा कर लिया है उसके लिए। तो हमें 7x7 का यहाँ पे गड्ढा बनाना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे 7 इधर, 7x7 का बनाता है। और अभी मैं मिलता हूँ आपसे 2 मिनट के बाद इसको पूरा करने के बाद। तो गाइस मैंने अभी ये 7x7 का तो पूरा गड्ढा खोद दिया है, ये देख सकते हो आप। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है पता है आपको,
यहाँ पे मुझे ये ब्लॉक, जो ब्लॉक मैंने खोद दिया है, इसके नीचे मुझे 4 ब्लॉक और खोदने हैं। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या ब्लॉक खोदने हैं। 1, 2, 3 और 4, ये 4 ब्लॉक हो चुके हैं। तो ऐसे मुझे ये पूरा का पूरा खाली कर देना है। ये गड्ढा है जो मुझे 7x7 का पूरा गड्ढा खाली कर देना है। तो अभी मिलता हूँ मैं इसको खाली करने के बाद। ऐसा अभी मैंने ये पूरा का पूरा गड्ढा ये खोद दिया है। तो ये देख सकते हो 7x7 का ये ऐसे है, और 5 ब्लॉक मैंने यहाँ पे डिक किया है पूरा। तो अभी मुझे यहाँ पे करना है, यहाँ से 5 5 ब्लॉक खोदने हैं, और यहीं पे मुझे जो सेट करना है ब्लेजर के लिए, यहाँ से और ये साफ़ करने हैं। मैं इसको साफ़ करता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे मुझे लगाना है, क्या ये लगाना है, कहाँ गया, हाँ ये फ्लैचिंग टेबल लगाना है मुझे यहाँ पे। जो 5 5 फ्लैचिंग टेबल लगाना है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी बना सकते हो। कोई 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 ब्लेजर होता है उसको आप कुछ भी बना सकते हो, फ्लैचर बना सकते हो, और जो होते हैं ब्लेजर उसको कुछ भी बना सकते हो। तो मैंने अभी फ्लैचर बनाया है यहाँ पे। तो ऐसे ही मुझे यहाँ से चारों तरफ करना है, और अभी मिलता हूँ मैं आपको चारों तरफ करके। पर एक बात मत भूलना, ये भी आपको करना है, क्योंकि इसमें ब्लेजर जो होते हैं वो पूरी तरह फिट बैठ पाए। तो मैं जल्दी से करता हूँ इसको। मैंने ये पूरा का पूरा सेट कर दिया है, जे इस प्रकार जो मैंने किया है इस प्रकार ही आप करना, वरना आपका जो गलत हो जाएगा। तो ऐसे ये गड्ढे रह गए हैं, इनको भी आपको भर देने हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं रहना, अभी सनराइज हो रहा है इसलिए। और आपको यहाँ पे करना है फिर बेड लगाने हैं सभी के सभी। मैं जल्दी से इन बेड को लगा देता हूँ। यहाँ पे 20 बेड लगाने हैं आपको, और यहाँ पे 20 ही ब्लेजर लेके आने हैं। तो जल्दी से मैं बेड लगाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे 2 मिनट के बाद। मैंने यहाँ पे बेड लगा के तो रेडी कर दिया है, ये बेड लगा दिया यहाँ पे सभी। अभी बारी है ब्लेजर लाने की। तो यहाँ पे मैंने टॉर्च भी लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे जो जॉम्बी वगैरह होते हैं वो स्पॉन ना हो, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन हो गए तो सारे के सारे ब्लेजर मर जाएंगे। तो अभी बारी है इसमें ब्लेजर लाने की। तो अभी मैं वहीं पर चलता हूँ अपने विलेज में, और वहाँ से ब्लेजरों को लेके आता हूँ। तो चलते हैं, अभी मिलता हूँ मैं आपसे विलेज में जाके। तो मेरा घर किधर की तरफ था, हाँ इधर की तरफ था। तो मैं अभी मिलता हूँ वहीं पे। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ। तो ये मैंने एक ब्लेजर तो इस पे बोट में बैठा लिया है, और एक ब्लेजर को और बैठाना है। तो जल्दी से मुझ पे बोट भी है, और मैंने ये लेज भी ले ली है। तो यहाँ से मैं जल्दी से इसको बैठाता हूँ। तो अरे भाग रहा है, इसको जल्दी बैठ जा यार, बैठ जा, नखरे मत करना, बैठ, अरे बैठ जल्दी बैठ, हाँ बैठ गया। तो अभी मुझे क्या करना है, इसको और इसको लेज से बांध के और वहाँ पे लेके जाना है। अरे इसमें ये क्यों बैठ गया, निकल यहाँ से, चल बैठ आ रहा है, कुछ नहीं। इसको बांध लेता हूँ, और इसको भी मैं बांध लेता हूँ यहाँ से। जल्दी से आ जा बेटे, जल्दी से आ जा, तेज तेज आ जा। तो अभी मैं इसको भी ऐसे ही बांध के ले जाने हैं, दोनों की दोनों। मुझे पता है ये परेशान तो बहुत करने वाले हैं। इसको मैं फिर से लेज करता हूँ, और आ जा, ये टूटेंगे ऐसे भिड़े भिड़ के आ पाएंगे। इसको भी मैं लेज कर लेता हूँ। तो इसमें मैं बैठ के जाता हूँ, नहीं बैठ नहीं पाऊँगा, इसको भी लेज करना पड़ेगा। आ जा जल्दी से, ऐसे ही मैं इनको, अरे यार टूट टूट के जाएंगे। तो अभी मैं इसको जल्दी से, अरे तू लगना लेज, हाँ ये लेज में आ चुका है। तो चलो तीनों के तीनों, चलो मैं इन तीनों को लेके जा रहा हूँ। इसको तो अभी मैं शुगर को साले को मार मार के ले जाऊँगा, ये क्या लेने आ रहा है। तो अभी मैं मिलता हूँ इन ब्लेजर्स को वहीं पे लेने ले जाने के बाद। गाइस मैं अभी इन देखो ब्लेजर को लेके आ चुका हूँ, और मेरी ये वोट यहाँ पे खड़ी है। तो ये ब्लेजर को मैं, भाई साहब मैं बहुत परेशान हुआ हूँ इनको लाने में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। कम से कम इनको यहाँ पे लाने लाने में आधा घंटा मेरा हो चुका है पूरा का पूरा। तो अभी यहाँ पे मुझे 20 ब्लेजर करने हैं, तो इनकी मैं ब्रीडिंग कराऊंगा। और मैं उधर गया था तो पोटैटो भी लेके आ चुका था, तो इनकी मैं जल्दी जल्दी ब्रीडिंग करा देता हूँ, जिससे इनके जल्दी से जल्दी 18 बच्चे हों, और ये पूरे के पूरे हो जाएं जल्दी से। दे भाई जल्दी उसे दे दे यार, उसे दे दे जल्दी से, वो भी बच्चे दे जल्दी, आ जा यार जल्दी करो ब्रीडिंग करो करो यहाँ से गाइस। अरे ब्रीडिंग करना, मैं जाऊँ यहाँ से, शर्म लग रही है। चलो तो मैं यहाँ से गाइस निकलता हूँ, उनको ब्रीडिंग करने दो, क्योंकि वो शर्मा रहे हैं बेचारे बहुत। अरे अभी तो कर, अरे कर ले,
अभी क्या हुआ इसे? आधे आधे करने पड़ेंगे इसमें यार। अब तो कर ले, अभी क्यों नहीं किया इन्होंने ब्रीडिंग। पोटैटो दूँ अब? लो और पोटैटो लो यार, और ब्रीडिंग करो जल्दी। ब्रीडिंग कर। तो गाइस मैं अभी इनकी ब्रीडिंग करा के मिलता हूँ आपसे। ये ब्रीडिंग मालूम नहीं क्यों कर रहे। अरे यार कर ले ब्रीडिंग तो। हाँ आ गया है, उनका मौसम मल रहा है, ब्रीडिंग करने दो गाइस। तो अभी ऐसे ऐसे कर करके मुझे इनके कम से कम 18 बच्चे करने, पूरे के पूरे 20 ब्लीजर करने हैं गाइस। तो अभी देखते हैं इनका बच्चा आता है या फिर नहीं, जल्दी से आ जाए यार। हाँ आ गया है। ऐसे करके गाइस मुझे यहाँ पे 20 ब्लीजर करने हैं। तो अभी मैं मिलता हूँ आपसे 20 ब्लीजर करने के बाद। मैंने अभी ये 20 के 20 ब्लीजर कर दिए हैं, यहाँ पे पूरे 20 हो चुके हैं। और अभी तो ये दो तीन बच्चे रह चुके हैं, अभी ये बड़े नहीं हुए, तो हो जाएंगे जब तक बड़े। तो अभी मुझे इसमें क्या करना है पता है आपको? अभी करना है जो ये दो यहाँ से ब्लॉक छोड़ के जो तीसरा ब्लॉक है यहाँ पे, मुझे जो पत्थर वाले ब्लॉक होते हैं, स्टोन होता है, स्टोन से मुझे ये पूरा का पूरा करना है। तो अभी मैं इसे स्टोन से करता हूँ। पहले यहाँ से बोट को उठाता हूँ मैं। बोट हट जाए जल्दी से। हाँ उठ गई। तो अभी मुझे करना है यार, एक गलत लग गया, ये गलत यहाँ से नहीं, एक ब्लॉक यहाँ से नीचे लगाना है ऐसे करके। तो अभी मुझे ये पूरा का पूरा ऐसे ही फिल करना है। तो अभी मैं मिलता हूँ आपको पूरा का पूरा फिल करने के बाद। चलो करते हैं जल्दी से। ऐसे यहाँ पे कवर कर देना है आपको। तो मैंने जो अभी ये कवर कर दिया है, इसके अंदर अब कोई जॉम्बी वगैरह कोई स्पॉन नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने ये कवर कर दिया है। अभी आपकी बारी है यहाँ पे क्या करने की। तो पहले मैं इस चेस्ट को यहाँ से उठाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या करना है। अभी आपको करना है इसमें यहाँ पे खुदाई करनी है। कैसे? पहले ये एक ब्लॉक लिया, और ये गलत मैंने ले लिया यहाँ से। मैं यहाँ पे अभी पत्थर लगा देता हूँ एक, कौन सा भी आप ऐसे यहाँ पे ब्लॉक लगा सकते हो, कोई मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी कौन सा भी बनाओ। और यहाँ से दो जो ये हैं, ये आपको यहाँ से साफ कर लेना है पूरा का पूरा। और मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ, ये पूरा आपको करना है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ पूरा का पूरा। हाँ तो मैंने ये पूरा कर दिया। तो अभी आपको इसकी एक लेयर और नीचे करनी है। तो जो मैं ऐसे कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। तो अभी मैं इसको जल्दी जल्दी कर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ 1 मिनट में। 1 मिनट क्या, अभी मैं मिलता हूँ आपसे। तो मैंने ये पूरा का पूरा कर दिया। अभी आपको करना है इसमें यहाँ से एक ब्लॉक और ये दो ब्लॉक, ऐसे ही आपको ये कर देना है यहाँ से। फिर आपको यहाँ पे और कर देना है नीचे को। नीचे कर देने के बाद आपको यहाँ से तीन ब्लॉक, पूरे के पूरे तीन ब्लॉक नीचे खोदने हैं आपको। पूरा यहाँ से तीन ब्लॉक डिक करने के बाद, जैसे मैं कर रहा हूँ, दो ब्लॉक हो गए ये यहाँ से, और एक ब्लॉक और डिक करना है। तो ये मैंने कर दिया पूरा का पूरा तीन ब्लॉक डिक, ऐसे ही आपको कर देना है। तो अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि मुझे अभी यहाँ पे क्या करना है। तो पहले मैं बाहर चलता हूँ यहाँ से, एक एक स्टेप में बताऊँगा आपको, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो बनाने के लिए। तो अभी मैंने यहाँ पे कर दिया ये। तो अभी आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे करना है इसमें अंदर जाने के लिए। अंदर जाएंगे ना आप, तो उसके लिए तो चाहिए चाहिए। तो अभी मैं करता हूँ, यहाँ पे नीचे कूद के चलता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे और डिक करना है, इसके अंदर आके दो ब्लॉक डिक करना है। आप ध्यान लगा के देखना है इस वीडियो को, और इसके बिल्कुल मत करना, तभी आप इसको बनाना सीख पाओगे। तो यहाँ पे आपको पहले लगा लेनी है दो चेस्ट, जो मैं दो चेस्ट लेके आया हूँ, और हॉपर लेने हैं आपको चार। तो यहाँ पे मैं चेस्ट लगाऊंगा, और यहाँ पे भी, और यहाँ से आप डिक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको बाहर भी तो जाना होगा उधर। तो मैं जल्दी से यहाँ पे डिक करता हूँ। तो अरे और करना पड़ेगा यहाँ पे, तो जल्दी से मैं इसको डिक करता हूँ। और यहाँ पे लगाना है हॉपर, आपको ध्यान रखना है हॉपर बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। अरे क्राउच हो जा, क्राउच करके आपको हॉपर लगा देनी है और इसमें अटैच करना है। तो गाइस मैंने अभी यहाँ पे चारों के चारों हॉपर लगा दिए हैं। तो अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियाँ बना लेता हूँ मैं यहाँ से। ऐसे डिक करना है आपको, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी सीढ़ियाँ बना सकते हो।
तो मैं तो यहीं से बना रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे टॉर्च और लगानी है क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। तो यहाँ से मैं अभी बना देता हूँ सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी। तो गाइस मैंने यहाँ पे ये काम तो रेडी कर दिया है, सीढ़ियाँ बना दी हैं यहाँ से, आप देख सकते हो मैं वहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पे जैसे ब्लॉक लगे थे वैसे लगा देने हैं, बिल्कुल एक एक ब्लॉक। और आपको अभी क्या करना है, आपको अभी यहाँ पे लगाने हैं साइन बोर्ड। तो मैं यहाँ पे साइन बोर्ड लेके आया था, यहाँ ये रखे हैं साइन बोर्ड। तो आपको यहाँ पे साइन बोर्ड नीचे जाके ही लगाने पड़ेंगे साइन बोर्ड। तो अभी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जल्दी से, यहाँ पे लगाने हैं एक। अरे ये क्या हो गया, दो और एक इधर लगा देना है। अरे ये क्या हो रहा है गाइस, लग चुके हैं साइन बोर्ड। ये मैंने यहाँ पे गाइस गलत लगा दिया साइन बोर्ड, ऐसे नहीं लगेगा यहाँ पे, ऐसे इसके आगे ये एक और साइन बोर्ड लगेगा, और इस अरे ये भी लग गया एक साइन बोर्ड यहाँ पे। तो अभी आपका काम कुछ नहीं है, यहाँ से आपको फिर से बाहर निकल जाना है। तो अभी आपका पूरा का पूरा काम हो गया है यहाँ पे। तो अभी मुझे लाना है वाटर और क्या लाना है, लावा बकेट। तो मैं अभी वाटर और लावा बकेट लेके आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे 2 मिनट के बाद। मेरा आयरन फार्म बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे वाटर लगाया है, और यहाँ पे भी लगाया है, और यहाँ पे लावा रखा है। तो मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, और यहाँ पे आयरन गोलम भी स्पॉन होने शुरू हो चुके हैं, देखो ये डोल रहा है यहाँ पे। और ये जब तक इसमें नहीं स्पॉन होंगे तब तक ये नहीं मर जाएंगे, दो दो स्पॉन यहाँ पे हो चुके हैं। और अभी मेरा पूरा का पूरा रेडी हो चुका है गाइस। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। एक ब्लॉक और मैंने ये नीचे किया है, तो आपको भी ऐसे ही नीचे करना है। और ये जो हैं जो साइन बोर्ड हैं ये आपको इधर की तरफ से लगाना है, और आपको यहाँ पे ये लगा देने हैं ग्लास। और मैं देख लेता हूँ मेरी चेस्ट में, हाँ तो एक आयरन गोलम दो मर चुके हैं, दो उसने मेरे फूल दिए हैं ये देख सकते हो आप। तो ये मेरा वर्क तो कर रहा है, और जो मैंने सीढ़ियाँ भी बनाई हैं। और जो गाइस है यहाँ पे एक मेन चीज़ है, यहाँ पे मैंने एक लेयर और बढ़ाई है, क्योंकि यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा था तो वो यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे निकल के आ रहा था, तो मैंने एक ये लेयर बढ़ा दिया, इससे पूरा पूरा पानी एडजस्ट हो चुका है। तो मैंने अभी इसमें पूरा का पूरा वर्क कर दिया है, अभी ये मेरा वर्क बहुत बढ़िया तरीके से करेगा। तो अभी मुझे यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, क्योंकि आयरन गोलम जो इधर उधर स्पॉन हो रहे हैं जैसे ये डोल रहा है ऐसे, तो यहाँ पे मैं लीव्स लगा दूंगा, जो ये पेड़ होते हैं इसकी लीव्स लगा दूंगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे इधर उधर आयरन गोलम बिल्कुल स्पॉन नहीं होंगे। तो अभी मैं गाइस लीव्स लगा के मिलता हूँ आपसे 2 मिनट के बाद, और मैं वहाँ से लीव्स भी लेके आऊँगा तोड़ तोड़ के जंगल से, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा तो एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा, और बड़े एपिसोड को कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, इसलिए मैं छोटा एपिसोड करने के लिए ये कर रहा हूँ। तो अभी मैं मिलता हूँ आपसे 2 मिनट के बाद। फाइनली मेरा तीन घंटे के पूरी मेहनत काम आ चुकी है, देख सकते हो ये मेरा पूरा 3 घंटे में आयरन फार्म बन के रेडी हो गया है, पूरे इसमें 3 घंटे लगे हैं गाइस। और ये देख सकते हो कि पूरा वर्क कर रहा है बढ़िया तरीके से, ये देख सकते हो आप जो आयरन फार्म है मेरा जो पूरा वर्क कर रहा है बढ़िया। और इस वीडियो में इतना ही गाइस, तो हमने इसमें आयरन फार्म पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तो हम देखेंगे उस एपिसोड में कुछ ना कुछ हम उसमें बिल्ड करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि इसमें तो हमने आयरन फार्म बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और जो हमारी सर्वाइवल सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो आप हमें कमेंट में बताना कि आप हमें ये कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर नहीं, या हमको 100 डे हार्डकोर वाला एपिसोड लेके आना है। तो आप कमेंट करना बताना, और वीडियो को लाइक करना, वीडियो का लाइक एम है 10 लाइक्स। तो गाइस टाटा बाय बाय।